हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, जहाँ तक आप लोगों को पता है कि हमने क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें तो ये क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यही कहानी थी। अब इसमें हम लोग क्या सीख रहे थे कि इसका सलूशन किस प्रकार से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग की ये सीख लिया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सलूशन को फाइंड करेंगे। देखिए, हमने 3 टाइप के सलूशन फाइंड करने के मेथड बताए थे, जिसमें से फर्स्ट की यदि हम बात करें तो हमने उसका डिस्कशन लेक्चर नंबर 2 में कर लिया है। अब हम बात करेंगे किसकी, जो सेकेंड मेथड है। ठीक है, वो सेकेंड मेथड को क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। क्या बोला जाता है? एलिमिनेशन मेथड। जो सेकेंड मेथड था, फर्स्ट मेथड हम लोग पढ़ लिए थे, सेकेंड मेथड था क्या? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड से कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होंगे, अपने पास 2 इक्वेशन गिवेन होंगे, उन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से एलिमिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, यदि हम कोई भी एक एग्जांपल लें जिसमें हम क्या करें, इस रूल के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करें। मान लीजिए अपने पास क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। कितना लिखा हुआ है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3x प्लस y इज इक्वल टू, ये भी हम लिख देते हैं ऐसा कि कितना आ जाएगा, लिख देते हैं। ठीक है, देखिए, x प्लस 2y इक्वल टू 13, 3x प्लस y इक्वल टू कितना है, 14। ये अपने पास 2 इक्वेशन हो जाएंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, जरा सा भी इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, बस आसानी से इसको समझते चलिए कि किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, कोफिशियंट ऑफ एक्स या कोफिशियंट ऑफ वाई, जो भी वेरिएबल हैं अपने पास, आपको पता है कि 2 वेरिएबल होते हैं, उन दोनों वेरिएबल में से कोशिश ये करते हैं कि किसी एक वेरिएबल का कोफिशियंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दोनों इक्वल हों कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट दोनों साथ में इक्वल होंगे तब भी मज़ा नहीं आएगा, मतलब कहानी हो जाएगी गड़बड़। ठीक है, मतलब वहाँ पर हम नहीं कर सकते कि उसका सलूशन मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर इनफाइनाइट सलूशन का केस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि किसी न किसी तरीके से, आप देखो इसमें अलग चीज़ें दिखाई देंगी, मतलब हम क्या करेंगे, उसको पहले बनाएंगे, या तो पहले से बना बनाया हो कि दोनों का कोफिशियंट इक्वल हो, या तो बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखो इक्वल में क्या करना होता है, मतलब बेसिकली कोफिशियंट प्लस या माइनस, जो साइन है उसकी बात नहीं करेंगे, हालांकि कोफिशियंट बताते समय माइनस प्लस को ध्यान में रखना होता है, बट यहाँ पर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि यदि हम कोफिशियंट ले भी रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेंगे कि उसका जो क्या मेन मैग्नीट्यूड है, लाइक वो सेम होना चाहिए, साइन से मुझे कोई मतलब नहीं है, साइन के बारे में कहानी हम आगे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखो x की वैल्यू यदि हम बात करें, x का जो कोफिशियंट है कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होगा, 1 हो जाएगा। 2y लिखने का मतलब क्या है कि y का कोफिशियंट कितना है, 2। ऐसे नीचे देख लो, 3x लिखा हुआ है और यहाँ पर y लिखा हुआ, मतलब y का कोफिशियंट 1, x का कोफिशियंट कितना है, 3। अब देखो न तो यहाँ पर x का कोफिशियंट दोनों में सेम है, न तो y का, तो हम कोशिश करेंगे कि x या y में से किसी एक के कोफिशियंट को इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादा इजी मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे क्या होता है, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोले देखो यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 13 लिखा, यहाँ 3x प्लस y इक्वल टू 14 लिखा। यदि मैं इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हो जाएगा 3x प्लस 6y, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 त्रिजा कितना हो जाएगा, 39। तो अब देखो यहाँ पर 3 कर देंगे, यहाँ भी 3 ऑलरेडी है, या दूसरा क्या कर सकते थे कि यहाँ 2y लिख रहा है, तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकेंड वाले इक्वेशन में हर जगह किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी क्या होगा, यहाँ 2y आ जाएगा, अब भी y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। देखिए तो हम क्या करेंगे, किसी एक को, चलो अभी फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाई बाई 3 इन द इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड वी गेट या वी हैव। ठीक है, क्लियर है दी चीज।
अब देखो जब ऐसा करेंगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो क्या होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 3x प्लस, यहाँ 3 से करोगे तो 3 × 2 = 6y इज इक्वल टू 3 से करेंगे तो 13 × 3 = 39 ये हो जाएगा। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट इसी के नीचे हम चाहेंगे तो सेकेंड इक्वेशन को लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको थर्ड बना सकते हो और इसी के नीचे क्या लिख लो सेकेंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये आपका क्या हो जाएगा सेकेंड। क्लियर है? अब देखो मैं कह क्या रहा हूँ, अब हम आएंगे साइन के पास, जिस कोफिशियंट को जिस भी वेरिएबल के कोफिशियंट को इक्वल किए थे, क्या किए थे इक्वल किए थे, तो वहाँ पर हम किसकी बात करेंगे साइन की। यदि दोनों का साइन सेम दिख रहा हो जैसे 3x 3x दोनों पॉजिटिव हैं, जब दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे कट जाएंगे, ठीक है। अब मान लो वाई द वे यदि यहाँ निगेटिव होता, यहाँ क्या होता पहले से निगेटिव होता, तो हम इसे ऐड कर देते तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस 3x है माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बट यहाँ पर ऑलरेडी क्या है प्लस है, जब प्लस है तो इसे ऐड करोगे तो बढ़ जाएगा, कट नहीं पाएगा, तो इलिमिनेशन में इलिमिनेट करने का मतलब है उसे उससे हटा देना हमेशा के लिए। तो यहाँ पर भी वही काम करना है कि 3x और नीचे भी 3x है तो क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, दोनों साइन सेम है तो यहाँ लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज कर लोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब क्या करो देखो 3x में से 3x चला जाएगा तो इसको ऐसे काट सकते हो, अब यहाँ प्लस 6y यहाँ माइनस वाई, तो 6y में से y चला जाएगा तो कितना बचेगा 5y इज इक्वल टू 39 में से 14 को सेपरेट करो तो 9 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5, इसके बाद क्या हो जाएगा 3 में से यदि मैं कहूँ 1 चला जाए, 3 में से क्या चला जाए 1 चला जाए तो कितना बच जाएगा बताइए 2। अब साइन किसका होगा तो बड़ा 39 है उसका साइन पॉजिटिव है तो ओवरऑल क्या आएगा पॉजिटिव, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 5, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 5 × 5 = 25, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब क्या करोगे, हमारा इलिमिनेशन मेथड इतना ही था, इसके बाद हम कोशिश करेंगे जब x की वैल्यू निकालनी है तो इस y की वैल्यू किसी इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में या थर्ड में कहीं पर भी अप्लाई कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा x की वैल्यू, जो मिला होगा उसका मतलब जो बचा हुआ पार्ट होगा वो मिल जाएगा, तो यहाँ y मिल गया है तो इस y की वैल्यू को उठा के कहाँ रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। क्लियर है? चलिए रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, वर्ड यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फर्स्ट में रखना है x प्लस 2y, तो x प्लस 2y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू कितना है 13, ठीक है क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 13, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 10, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा x एंड y की वैल्यू। देख लीजिए इसमें मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है कुछ करना नहीं है। पहली चीज हमने बताया कि x और y में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, उसके बाद इक्वल करने के बाद आप चेक करेंगे कि जिसको इक्वल किए थे उसका साइन सेम है या अपोजिट है, यदि सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना, इससे इजीली वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यदि अपोजिट है एक प्लस एक माइनस है तो उसको ऐड कर दोगे ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, बस छोटा सा कंसेप्ट है कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए इतना आप देख लीजिए, इसके बाद क्या करते हैं एक क्वेश्चन और लेके हम इसको समझा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए चलिए जैसे क्वेश्चन बनाते हैं हम 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ये हो गया। इसके अलावा मान लीजिए हम लिख दें 2x इलेवन कर देते, ठीक है ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम लग जा रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं, बन गया क्वेश्चन 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 एंड जो सेकंड की हम बात करें तो कितना है 2x प्लस y इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम क्या करेंगे फिर कोशिश करेंगे सॉल्व करें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहानी भैया, 6x यहां पर 2x, इस x का कोफिशिएंट इक्वल है क्या, नहीं, 2y यहां पर y, तो
तो यहाँ पर भी कोफिशियंट क्या है, इक्वल नहीं है। तो फिर हम किसी ऐसे नंबर को ढूंढेंगे जिससे कोफिशियंट को क्या करें, इक्वल कर दें। ठीक है, इक्वल कोफिशियंट हो जाएगा, मतलब इलिमिनेशन लग गया इस पर। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, यदि मैं इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर यदि मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 2 6 मैच कर जाएगा। यदि मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो y वाला मैच कर जाएगा। ठीक है, तो पिछली बार देखिए हम लोग x को इक्वल करती है, इस बार कोशिश करते हैं y वाला इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। तो यहाँ लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड ऑन बोथ साइड विकेट, कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4x प्लस 2y इज इक्वल टू, 2 से करेंगे 11 में तो कितना हो जाएगा, 22। इसे आप इक्वेशन थर्ड भी लिख सकते हो। इसके बाद हमने बताया था जिसको लेकर आप इसको बना रहे हो, जो बच गया उसको इसके नीचे लिख दो। तो 2 को ले लिए थे तो बचा कौन, 1। अब क्या करो, इसके जस्ट नीचे लिख दो 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ये हमारा कौन सा इक्वेशन था, फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करना था, सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि 2y और 2y तो एक प्लस और दूसरा कैसा है, माइनस, एक प्लस है दूसरा क्या है, माइनस है। तो कुछ भी आपको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, देखो सिंपल सी कहानी है कि हमने बस साइन के बारे में आपको याद रखने के लिए बोला था कि यदि दोनों का साइन सेम है, यदि दोनों का साइन क्या है, सेम है, तब तो क्या करना था हमें, सबट्रैक्ट करना है। यदि दोनों का साइन कैसा है, अलग अलग है, तो क्या करोगे, उसे ऐड कर देना, क्या करना है, उसे ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस 2y, यहाँ पर माइनस 2y, तो एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। तो इस बार हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे ऑन एडिंग, क्या लिख देंगे, ऑन एडिंग। अब देखो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 2, ऐड ही कर रहे हैं बट सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, 2y वाला पोर्शन इलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4x और 6x ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का साइन कैसा, अभी पॉजिटिव है। तो 6x में दिए हम 4x ऐड कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 22 में दिए 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। फिर x इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 10, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, 3 की, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब क्या करना है हमें, इस वैल्यू को हम बोले थे चाहे फर्स्ट सेकेंड चाहे थर्ड किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, जिसको निकाल चुके हैं उसके अलावा जो होगा वो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू कितना आया है, 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, चलिए रखिए इसमें रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6x है तो 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 8, तो 6 त्रिज्या कितना हो जाएगा बताइए, 18 माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, आगे देखिए माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, ये प्लस उधर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 18, 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, और बड़े वाले का साइन लाइक माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। y इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाई माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5, ये इस इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हमने क्या किया, इलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सोल्यूशन को फाइंड कर लिया। ठीक है, देख लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आसान भाषा में इतनी चीज समझिए कि कुछ है नहीं, बस आपको ये चीज़ समझ लेना है कि हम यदि चाह गए तो कुछ भी चीज़ें क्या होती हैं, कठिन नहीं होती हैं। ठीक है, इजीली सब चीज़ों को हम कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका लक्ष्य क्या है कि हम x और y की वैल्यू को क्या करें, फाइंड आउट करें, बस किस मेथड से, इलिमिनेशन। तो जो प्रोसेस बताया गया है, जिससे हमने क्या किया यहाँ पर इसको यूज करके आपको बताया, उसी को आपके जो भी बुक में है उस बुक को उठाइए और क्वेश्चन को ट्राई करते चलिए। ठीक है ना, और देखिए हमने बताया था कि इसको हम बताने के बाद कोशिश करेंगे कि हर एक टाइप का जो क्या होगा क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को कराएंगे। हाँ, बट प्रोसेस यही था। ठीक है, कुछ वहाँ पर सिचुएशन जो होंगे वो अलग होंगे, कहीं पर क्या करना होता, कुछ मान कर सॉल्व करना होता, तो हर एक के बारे में हम क्या करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।